हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो ये वीडियो शेयर कर रही हूँ वो सीडलिंग के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, हमारे रेनी सीज़न में जो प्लांट्स हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, बस आज मेरा टॉपिक यही है। और चलते चलते अपने कुछ फ्लावर्स को भी दिखा देते हैं। तो देखिए कितना बड़ा सा सनफ्लावर है, ये बिल्कुल मेरे हाथ से भी बड़ा साइज़ है और इतना खूबसूरत लग रहा है इसका फ्लावर। तो फ्रेंड्स, जब अपने गार्डन में हमारे जो सीड्स से ग्रो होते हैं प्लांट, वो और भी खूबसूरत लगते हैं। और ये सारे प्लांट्स जो आप मेरे सनफ्लावर के देख रहे हैं, ये मैंने सब सीड से ही ग्रो किया था फैब में। और आज मेरी ये सीडलिंग जो है मेहनत रंग ला रही है। और ये देखिए, ये हमारा मैक्सिकन सनफ्लावर, जिसे रेड सनफ्लावर भी कहते हैं, ये भी काफ़ी प्यारी ब्लूमिंग कर रहा है। और फ्रेंड्स, मेरा ये मधुकामनी का फ्लावर प्लांट तो बिल्कुल अमेजिंग तरीके से भरा हुआ है। और आप देख पा रहे हो तो इसके फूल भी झरझर के नीचे गिर रहे हैं चारों ओर। और इतनी प्यारी महक है इसकी कि मैं आपसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बहुत ही खूबसूरत महक है इसकी। हमारा रेन लिली भी काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और फ्लावर प्लांट अपना शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये कितना ही खूबसूरत सा मेरा ये फ्लावर खिला है। और इसमें कई सारे बर्ड्स भी आए हैं मेरे प्लांट में, बहुत ही नंबर्स ऑफ बर्ड्स हैं। तो कुछ दिन में जब बहुत सारी फ्लावरिंग होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है मेरा ये वाला भी प्लांट। और इसमें येलो जो अंदर से शेड है वो बहुत ही खूबसूरत बना रहा है मेरे इस फूल को। तो फ्रेंड्स, समर में भी बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स जो हैं ओपन होते हैं। और ये मेरा एक पर्पल टैकुमा की वैरायटी है। रोज़ के साइज़ अभी भी छोटे हैं। लगभग सारे कलर में ही फ्लावर खिले हैं, लेकिन सारे बहुत ही छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। और फ्रेंड्स, इधर मेरा येलो वाला लांटाना का फ्लावर देखिए कितना ही खूबसूरत तरीके से ओपन हुआ है और काफ़ी नंबर्स ऑफ फ्लावर्स आए हैं, बिल्कुल येलो येलो सा इधर हो रहा है, क्योंकि इधर मेरे येलो सनफ्लावर भी हैं, येलो लांटाना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं हम कौन कौन से फ्लावर की सीडलिंग कर सकते हैं इस समय। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर, ये मेरा कोकोपीट और कंपोस्ट का मिक्सचर है। और इसी में फ्रेंड्स मैं अपने सीड्स को ग्रो करती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट मीडिया मैं यूज़ करती हूँ ताकि मेरे सीड्स की जो जर्मिनेशन रेट है वो काफ़ी अच्छी हो। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर भी लिया है एक सॉइल मिक्सचर, पर ये मेरा गार्डन सॉइल जो मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ वो अलग है, जिसमें मिट्टी भी मिली हुई है। और फ्रेंड्स, मैं इसमें जो है मेरे घर के ही कुछ जो फ्लावर्स सूखे हुए थे उनके सीड्स को मैंने इकट्ठा किया था मैरीगोल्ड के। तो फ्रेंड्स, इस समय मैरीगोल्ड का जो है आप सीडलिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारे जो है मैं मैरीगोल्ड की सीडलिंग इसमें करने वाली हूँ और बहुत ही ईजी टू ग्रो है। और इस समय अगर आप मैरीगोल्ड की सीड्स को ग्रो करते हैं तो फ्रेंड्स, आपका विंटर तक ये फ्लावरिंग देने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से अपने घर की सीड्स को भी ग्रो करूंगी और कुछ मैंने ऑनलाइन भी सीड्स मंगाए हैं तो उसको भी मैं ग्रो करूंगी। और सीड्स को डालने के बाद मैं थोड़ा सा ये कोकोपीट का मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर एक लेयर डाल दूंगी, ताकि जब भी हम वाटरिंग करें तो हमारे सीड्स जो हैं वो इधर से उधर ना हो और उनकी जर्मिनेशन काफ़ी अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सीड्स ग्रो करें तो ये मेथड ज़रूर करें कि उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की काफ़ी एक इंच तक डाल दें, ताकि आपके सीड्स को
कोई भी दिक्कत ना हो और वो इधर से उधर ना हो पाए। और फ्रेंड्स, इसे आपको बिल्कुल टेरेस पे नहीं रखना है, आपको इसे शेमी शेडेड एरिया प्रोवाइड करना है, क्योंकि बारिश का पानी अगर इसमें जाता है तो फिर आपकी सीड में फंगस लगने का डर रहेगा और जर्मिनेशन जो आपकी सीड्स की है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसे थोड़ा शेडेड एरिया ही प्रोवाइड करें। और रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स सीडलिंग करना मैरीगोल्ड का। और फ्रेंड्स, इसमें जो मैं यूज़ कर रही हूँ सीड वो है हमारा बालसम का। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऑनलाइन सीड्स परचेस किए हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सीड्स जो भी लें तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लें, ताकि आपकी जो जनरेशन रेट है वो काफ़ी आपको अच्छी मिल पाए, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल पाए आपको। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का किट भी पूरा मिल जाता है हमारे समर का और विंटर के फ्लावर सीड्स का। तो आप इसमें जो है छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और इसमें काफ़ी सारे सीड्स होते हैं। तो देखिए, इसमें विनका के भी हैं और जो भी मुझे अभी लगाने हैं वो मैं अभी लगा रही हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स मैरी गोल्ड का भी है, तो मैं कुछ बालसम के और मैरी गोल्ड के अभी लगाने वाली हूँ और मैं ये रेड विनका भी अभी लगाऊँगी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन सीड्स भी परचेस कर सकते हैं। इसमें देखिए जीनिया वगैरह का है और इस समय आप ये सारे सीडलिंग्स फिर से कर सकते हैं। जितने भी समर फ्लावर प्लांट की सीडलिंग है वो आप एक बार फिर से कर सकते हैं और ये आपके अक्टूबर एंड और नवंबर तक लगभग आपके ये फ्लावर प्लांट आपको सर्वाइव कर जाएंगे और आपको फ्लावरिंग देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ये जो फ्लावर सीडलिंग कर रही हूँ ये मुझे अक्टूबर नवंबर तक पूरी सीडलिंग देने वाला है, फ्लावरिंग देने वाला है सॉरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें ग्रो करना है सीड। जब भी हमें सीडलिंग करनी है तो हमें कैसे करना है, हम पहले फ्रेंड्स अपने सीड्स को निकाल लेंगे और मैं ये सारे ही सीड्स अभी लगाने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं फिर से मंगाऊंगी। और अब फ्रेंड्स, जनवरी में इसकी सीडलिंग होगी, ये बालसम के सीड्स हैं। तो जब भी आप इस तरीके से सीडलिंग करें तो सीड में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर का मिला लें आप। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मैं मिलाने वाली हूँ। इससे फ्रेंड्स आप क्या होता है, आपके सीड्स में कोई भी फंगस नहीं लगता और आपकी जो सीड्स जर्मिनेशन की रेट है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर हमारे सीड्स जो हैं वो फंगस की वजह से मर जाते हैं और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, आपकी सीडलिंग रेडी नहीं हो पाती। तो जब भी आप इस तरीके से सीड्स को ग्रो करें तो उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला लें और उसके बाद मैं इस तरीके से देखिए स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ी सी दूर दूर पे। और फ्रेंड्स, इस तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद ये फ्रेंड्स मैंने एक लेयर बालसम का लगाया है और मेरा ये ट्री काफ़ी लंबा है तो इसी में मैं बाकी सारे सीड्स भी लगाने वाली हूँ। तो जो भी मेरी सीडलिंग्स बाद में रेडी होगी वो मैं बिल्कुल ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने बड़े से पॉट में। तो ये मेथड सारे हमारे सीडलिंग पे होता है। तो जब भी आप कोई भी सीडलिंग करें तो इस तरीके से फंगीसाइड पाउडर में सीड्स को काफ़ी अच्छे से कोट कर लें ताकि उसमें कोई भी फंगस की प्रॉब्लम ना हो और इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अब मेरा जो ये सॉयल मीडिया है मैंने इसे ऑलरेडी मॉइस्ट रखा था, इसमें हल्का सा मैं वाटरिंग करूँगी, बिल्कुल नॉर्मल वाटरिंग करूँगी। और इसके ऊपर फ्रेंड्स अभी मैं ये एक लेयर बिल्कुल मिट्टी की इस तरीके से लगा दूँगी ताकि मेरा जो सीड है वो बिल्कुल इधर से उधर ना हो। तो इस तरीके से सीड के ऊपर आप एक लेयर ये कोकोपीट की मैं बिल्कुल लगा दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए मैंने इस पे पूरी लेयर एक अपनी कोट बिछा दी है अपनी सॉयल मीडिया की। और फ्रेंड्स, मैं जब भी इसमें वाटरिंग फर्स्ट वाटरिंग करूँगी तो मैं इसमें फंगीसाइड पाउडर का पानी ही इसमें डालूँगी। और जब भी आप पानी डालें तो फ्रेंड्स बिल्कुल सीधे ना डालें, इस तरीके का आप शावर यूज़ कर सकते हैं अपने सीडलिंग को नहलाने के लिए।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल सीधा डायरेक्टली पाइप से पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपकी सीड्स जो है वो इधर से उधर हो जाएंगे। और इस तरीके से शावर से आप अपने सीडलिंग को बिल्कुल भिगो दें। तो फ्रेंड्स ये मेथड है सीडलिंग लगाने का, और जब भी आप सीडलिंग करें, चाहे वो ठंडी की हो, रेनी सीज़न में करें या फिर विंटर की करें, सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है। और फ्रेंड्स जब भी मेरा ये सीडलिंग ग्रो होगा तो मैं बिल्कुल आपको इसका अपडेट दूंगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो और वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस रेनी सीज़न में सीडलिंग करने के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।